आगामी पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्राधिकारी बरहज अंशुमन श्रीवास्तव, बरहज तहसील के नायब तहसीलदार और थाना अध्यक्ष जयशंकर मिश्रा के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक में बरहज तहसील व ब्लॉक के ग्राम प्रधान व ग्राम प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बरहज के क्षेत्राधिकारी ने कहा कि मार्च का महीना सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और सबसे ज्यादा तो पुलिस विभाग के लिए, जिसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें तत्पर तैयार रहना पड़ता है। मेरे सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि आगामी होली का त्यौहार शांति से मनाएं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकार साथी भी अपने माध्यम से कोने कोने हर क्षेत्र में यह संदेश पहुंचाने का काम करें, जिसमें शांति व्यवस्था बरकरार रहे और सभी हर्षोल्लास से होली का पर्व मना सकें। हमारा फरवरी और मार्च का जो महीना है बहुत इम्पोर्टेंट महीना है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार पड़ते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ महाशिवरात्रि मनाई जाने वाली है फरवरी में, फिर मार्च में प्रथम सप्ताह में लगभग हम होली का त्यौहार मनाएंगे। तो ऐसे समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पीस मेंटेन रखें, धार्मिक सौहार्द का माहौल बनाए रखें, और इस लिहाज से हमने ये मीटिंग बुलाई है। और मेरी अपील रहेगी जनता से कि वो आपस में सौहार्द बना के रखें और अब एक दूसरे के साथ जितना कोऑपरेट करें, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद है, और किसी भी तरह की धार्मिक उन्माद ना हो और भाईचारे को बढ़ाया जाए। और इसी के साथ, मतलब जिस तरीके से होलिका दहन के साथ होलिका का अंत हुआ था, उसी तरीके से बुराइयों का अंत मैं चाहता हूँ। और इस दिशा में पत्रकार बंधुओं को से मेरा यही निवेदन है कि वो भी जो है अपने अपने क्षेत्र में अपने माध्यम से हमारा संदेश पहुँचाएँ कि शासन प्रशासन ये चाहता है कि शांति से इस त्यौहार का सभी लोग आनंद उठाएँ। धन्यवाद।